अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं। तो गाइस, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल क्लॉक टावर के ऊपर अपना फुली ग्रैंड मास्टर स्क्वाड लेके आए हैं। लेकिन अच्छा एक बंदा हमारे स्क्वाड का नॉक हो चुका है नीचे की साइड। यहाँ पे आई थिंक से बंदा था, गन के लिए सिर्फ हम लोगों को पैराफिल मिले और यहाँ पे काफी गंदा वाला बॉडी स्प्रे के साथ एक बंदे को नॉक किया है। उससे मेरा क्या फायदा भाई, अपडेट तो आ चुका है मस्त वाला इस टाइम। अच्छा, क्योंकि सीएस रैंक के अंदर आप लोगों को पता है कि डुओ एक्टिव स्किल लगा के हम लोग खेल सकते हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले जाएं, वो वाला वीडियो भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर भी साइड एक बंदा था, भाई क्या गंदा वाला डैमेज दे रहा है। डबल है इसके पास, दो गोली चालो खत्म भाई। इसको पता ही नहीं है भाई, जीएम भाई सामने और एक बंदा भाई पंगा ले रहा है। ऊपर से हम लोगों ने नेम भी अपना चेंज कर दिया, कुछ भी गॉड से वापस गॉड गिफ्ट 50K हमने अपना नाम रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप लोगों को पता है कि स्टोरी का मैंने बोला था, वो स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल क्लॉक टावर का हम लोग कर लेते हैं सफाया। आई थिंक यहाँ पे तीसरा बंदा भाई कंफर्म हो गया। यहाँ पे किसी को शायद से मारा था एक, तो यहाँ पे नॉक भी पड़ा है। चलो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कंफर्म। चलो यहाँ पे 4 किल गाइस हम लोगों ने कर लिए अपने। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पे 6 किल जो है अपने हो चुके हैं डन। 34 बंदे गाइस अभी तक अलाइव है, क्योंकि रिवाइव के बाद फिर रिवाइव, उसके बाद फिर रिवाइव। ये भगवान क्या जुलूम है। यहाँ पे हल्का सा किसी ने मेरे को डैमेज दे, ये रहा बंदा M4A1 के ऊपर। गाइस दो चिप हम लोगों ने लगाई हुए हैं गजब तरीके से, ये वाला चल रहा है अपडेट के बाद, क्योंकि अपडेट वाइज जो आई है ना वो मस्त आई है भाई। क्या ही करेक्टर स्किल्स को अच्छा और बेहतर बनाया गया है इस अपडेट के अंदर। मेडिकेट हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर की साइड एल शेप के ऊपर भी 2 से 3 बंदे देखे थे। तो उससे मेरा क्या फायदा, अगर ये वाला बंदा कैंपिंग कर रहा है भाई, कैंप के बाद भी मर जाता है ना, उसे उसके ऊपर लानत है भाई। एक होती है छोटे दर्जे की लानत, एक होती है बड़े से भी बड़े, वो इसके ऊपर वो वाली। गाइस कैंप करके भी आप लोग मर जाओ तो फिर भाई हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, क्या ही बोले आप लोगों को, हग दिया मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल की लाना था ना वो आपको ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 के लिए यहाँ पे कंफर्म कर लिए हैं, और अभी तक जो बंदे हैं वो 32 से 33 अलाइव है, यानी जितने किल हम लोगों ने कंफर्म किए हैं इससे ज्यादा मिल सकते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग पीक के ऊपर एक बंदा रिवाइव दे रहा था, यहाँ पे लड़की भाई रश कर रही है, काम चेक करो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो भाई इसको पता नहीं कि सामने जो है ना वो पाकिस्तान का पीरू प्लेयर बोले तो अल्लाह की लेवल। ये मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं जी भाई आप पीरू हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई 9 के लिए यहाँ पे डन हो गया, क्योंकि अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती भाई, समझा करो, बाकी आप लोग खुद ही प्रो। 31 फिर से अलाइव है, 9 यहाँ पे डन है भाई अपने साथ। जो नंबर 1 है ना, लिटरली रीजन का प्लेयर खेल रहा है अपने साथ। क्या बात है सर। और नंबर 3 के भी काफी अच्छे पॉइंट है यहाँ पे हमारे बंदे को। भाई जिसने भी नॉक किया ना, इसका तो ग्लू तोड़ के इसको पेलेंगे। ये कि भाई हल्का सा इंटरनेट का दिक्कत, अब लोगों को पता है पिंग थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वर ही भाई कोई ऐसा है जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाला, ऐसे बोर रहे हैं, हो भी सकता है। I don't believe this! और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे आई थिंक से एक बंदा मैंने देखा था, शायद से किसी ने नॉक किया है या अंदर की साइड है ये जो ब्रोकन हाउस है ना पीक के ऊपर। हाँ मैंने बोला था ना यहाँ पे एक बंदा देखा था भाई, MP40 है कते जहरीली भाई, ईवो वाली स्किन आप लोगों को शो नहीं हो रही, क्योंकि एक्सपेंशन पैक तो अपने डाउनलोड ही नहीं आता से ज्यादा। यहाँ पे ग्लूल का यूज, और 10 किल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं कंफर्म। अभी भी गाइस 22 बंदे अलाइव में, 22 बंदे भाई। सबसे जो हार्ड वाला लॉबी है ना, वो इस टाइम जो फ्री फायर के अंदर BR रैंक के अंदर आता है ना, वो बरमूडा के ऊपर होता है, क्योंकि जो न्यू प्लेयर्स या ओल्ड प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको रैंक ज़्यादा पुश करनी होती है, वो खेलते इस मैप के ऊपर हैं, क्योंकि उनको पता होता है इस मैप की जगह कोने कोने से वाकिफ होते हैं। यहाँ पे अल्फा गेमिंग को भाई नॉक हेडशॉट से किया और कंफर्म भी कर दिया है।
जिसके साथ अपने 11 किल डन हो गए। गाइस 11 किल कोई आम बात नहीं है भाई ग्रैंड मास्टर लोबी के अंदर। यहाँ पे एक नॉक पड़ा था, चलो मैंने वो वाले पार्ट्स गाइस काट दिए जहाँ पे हम लोग। क्या हेडशॉट भाई इसको लगे हैं, अल्लाह की लेवल। माही को यहाँ पे कंफर्म किया 12 किल के साथ। गाइस आपका भाई अपने स्क्वाड के अंदर टॉप के ऊपर चल रहा है, बाकियों के इतने किल नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे भाई यहाँ पे क्या ही हेडशॉट पड़ा है भाई, दो गोली पड़ी है खोपड़ी के ऊपर, मजा ही आ गया भाई। यहाँ पे ऊपर की साइड नहीं, कितना बॉडी डैमेज दिया गाइस, तीन चिप लगी हुई है लिटरली M4A1 के ऊपर, तीन चिप लगा हुआ है और ये बंदा फिर भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, खोपड़ी तोड़ेंगे इसकी। एक दफा सामने आए, बस दो ही रहते हैं और हम लोग भी दो हैं। अब नहीं, तीन बंदे रहते हैं और हम लोग दो हैं। यहाँ पे बॉडी स्प्रे भाई और यहाँ पे डन 14 लिटरली गाइस 14 किल डन और 2v2 अभी 2v2 है। एक भी हम लोगों ने मारा और एक अपन लोगों के साथी ने मार दिया, तो भाई अपना हो जाना है डन सीन। HP देख रहे थे भाई कितना लो हो गई थी हमारी HP। आप लोगों को नीचे सेंटर में तो नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि अपडेट के बाद इन्होंने कुछ ऐसा हाल कर दिया रिकॉर्डिंग वाले सीन में, लेकिन आप लोगों को जहाँ पे टीममेट शो होते हैं ना वहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पे HP शो होगी। आई थिंक दोनों बंदे उसकी साइड हैं ना। अच्छा चलो खत्म गाइस, लाइक एंड शेयर मार देना। इसी के साथ हम लोगों का पुया हो गया भाई 15 किल गाइस, 15 किल लिटरली। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।